कोविड वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स होने के तमाम दावों के बीच टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने अदालत में पेश किए दस्तावेजों में पहली बार माना है कि कोविड 19 वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या काफी कम होने का भी दावा किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को कोविशील्ड और वैक्स जेवेरिया समेत कई नामों से बेचा गया था। फिलहाल इस वैक्सीन की वजह से होने वाली मौतों समेत कई गंभीर बीमारियों को लेकर एस्ट्राजेनेका पर केस दायर किया गया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से जो वैक्सीन तैयार किया है उससे कई साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी को क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। इस मुकदमे को जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने यूके हाई कोर्ट में दायर किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद ब्रेन डैमेज का शिकार हो गया था। तो वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जेमी स्कॉट समेत अन्य मरीजों के मामलों से TDS यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस नाम की रेयर साइड इफेक्ट की बात सामने आई है। इस सिंड्रोम की वजह से ब्लड क्लॉट और प्लेटलेट काउंट घटने जैसी समस्याएं होती है। एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से यूके के हाई कोर्ट में पेश किए गए कानूनी दस्तावेजों में कहा गया है कि वैक्सीन की वजह से TDS जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है। तो वहीं अब लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट्स की बात अदालत में कबूल की है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा अगर कंपनी कुछ खास मामलों में वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारी या मौत होने की बात मानती है तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। अहम बात यह है कि एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बावजूद कंपनी वैक्सीन में कमी होने या उसका व्यापक दुष्प्रभाव होने के दावों को सिरे से खारिज करती है।